I'm sure आपने शेरपास के बारे में सुना होगा। ये वो लोग हैं जो तिब्बतन या फिर हिमालयन रीजन के मास्टर माउंटेनियर्स होते हैं। कोई भी ऑब्स्टेकल इनके लिए बड़ा नहीं है। वेल, इन्हीं से इंस्पायर्ड है आज का ये व्हीकल। इसका नाम तो शेरपास से इंस्पायर्ड है ही, पर इसके लिए कोई भी ऑब्स्टेकल बड़ा नहीं है। मिलिए शर्प N1200 से। शर्प एक यूक्रेनियन ब्रांड है और ये यूटीवी या यूटिलिटी टेरेन व्हीकल क्वाड्रो इंटरनेशनल के द्वारा यूक्रेन में मैन्युफैक्चर की जाती है। ये पर्पस बिल्ट है ऐसे टेरेन पर जाने के लिए जहां सबसे नामी गिरामी और केपेबल ऑफ रोडर्स जाने का सोच भी नहीं सकती। वेलकम टू व्हाट कार इंडिया, योर फ्रेंडली गाइड टू कार्स एंड बाइक्स। पर आज जो हमारे साथ है ये कोई कार या बाइक नहीं, बट एक एम्फीबियस ऑल टेरेन व्हीकल है, जिसके बारे में हम आपके साथ 6 ऐसे फैक्ट शेयर करेंगे जो बहुत ही अमेजिंग है। और हम इसे एम्फीबियस क्यों बुला रहे हैं? वेल, दैट्स बिकॉज ये अपनी गो एनीवे कैपेबिलिटी को बहुत ही सीरियसली लेता है। बट आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारी हर अपडेट पहुंचे सीधा आपके इनबॉक्स में। शुरुआत करते हैं फैक्ट नंबर 1 के साथ। ये देखने में काफी लंबा चौड़ा लग रहा होगा, पर इसकी लेंथ सिर्फ 3984 mm है, मतलब किसी सब 4 मीटर SUV से भी कम। इसकी 2570 mm विड्थ और 2846 mm की हाइट भी काफी कॉम्पैक्ट है एक ट्रक के लिए, और ये कॉम्पैक्ट डिमेंशंस इसे टफ सिचुएशन से निकालने में कारगर साबित होते हैं। इसका कैबिन एल्यूमिनियम का बना है, जिस पर पॉलीयूरेथेन पेंट है जो वाटर केमिकल और रस्ट प्रूफ है। इसकी बॉडी के लिए हाई स्ट्रेंथ डोकॉल स्टील यूज हुआ है और मूविंग पार्ट्स पर जिंक की कोटिंग है। ये सभी मिलकर इस UTV को ऑल वेदर एबिलिटी प्रदान करते हैं। क्रेजी फैक्ट नंबर 2, इसके ये बड़े 71 इंच के व्हील्स आप सिर्फ 1 मिनट के अंदर इन्फ्लेट या डिफ्लेट कर सकते हैं एक बटन दबाकर। और इससे भी खास बात ये कि इसके लिए डीजल एग्जॉस्ट की गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब एक्स्ट्रा एयर कंप्रेसर की जरूरत ही नहीं पड़ती, जिससे सिंप्लिसिटी बढ़ जाती है। और तो और, शॉप का ये भी कहना है कि ये टायर्स बड़े पंचर्स के बावजूद चलते रहेंगे, और अगर कंडीशन इतनी खराब हुई कि 2 टायर्स फुली पंचर हो जाएं, तब भी ये आपको मंजिल तक पहुंचा कर ही दम लेगा। इन टायर्स की एक और खासियत ये है कि ये शॉप के सस्पेंशन की तरह भी एक्ट करते हैं। जी हाँ, यहाँ कन्वेंशनल सेंस में सस्पेंशन सिस्टम है ही नहीं। शॉप इस टेक्नोलॉजी को न्यूमो सर्क्यूलेटिंग सस्पेंशन बुलाते हैं, और इसमें स्प्रिंग, शॉक एब्जॉर्बर्स, बुशेस या स्ट्रट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। कम मूविंग पार्ट्स का मतलब कुछ भी खराब होने के चांसेस भी कम है। क्रेजी फैक्ट नंबर 3, इन व्हील्स में ड्रम स्टोरेज है जो 58 लीटर्स का फ्यूल कैरी कर सकती है, एंड कंबाइन दैट विद ऑल 4 व्हील्स 232 लीटर्स का फ्यूल तो आप सब व्हील्स में ही कैरी कर सकते हैं। इसके साथ साथ 95 लीटर का एक मेन टैंक भी है। 5 से 8 लीटर पर आर की फ्यूल इकोनॉमी के साथ ये शॉप मेन टैंक पर 14 से 15 घंटे तक नॉनस्टॉप चल सकता है, और व्हील के कैनिस्टर्स को इंक्लूड करें तो पूरे 61 आवर्स की रेंज मिलती है, तो एक बार में ये पूरे 3 दिन तक चल सकता है। जहां किसी नॉर्मल SUV की ग्राउंड क्लियरेंस होती है 200 मिलीमीटर, इस ट्रक की ग्राउंड क्लियरेंस है 2 फीट, यानी 610 मिलीमीटर। फैक्ट नंबर 4, इसका 2200 mm का व्हील बेस अब डिसकंटिन्यू हो चुकी टाटा नैनो से भी कम है। बट गनीमत की बात यह है कि अपनी विड्थ का इस्तेमाल बड़े अच्छे से करती है, और इसमें आपको अप टू 9 पैसेंजर्स बिठाने की सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन भी मिल जाती है। कंपनी का कहना है कि ये -40 डिग्री सेल्सियस से लेके 40+ डिग्री के तापमान में आराम से फंक्शन कर सकता है। इस वक्त तापमान लगभग 45 डिग्रीज है, जो शॉप के लिए ठीक है पर हमारे लिए नहीं। तो जरा कैबिन में चलते हैं, कैबिन की तफ्तीश भी हो जाएगी और साथ में राहत की सांस भी मिल जाएगी। शॉप में एंट्री करना खास आसान नहीं है, तो इसके लिए मिनिमम फिटनेस लेवल जरूर होने चाहिए। इस मॉडल में ज्यादा प्रीमियम 6-सीट लेआउट है, जिसमें रियर रो में इंडिविजुअल सीट्स मिलती हैं। साथ ही इसमें AC भी फिटेड है, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के लिए जरूरी है। इंटीरियर हाईली कंफिगरेबल है, तो जरूरत के हिसाब से सीटिंग सेटअप चूज किया जा सकता है। कैबिन में अप्लायंसेज रन करने के लिए ढेरों USB सॉकेट्स और 12 वोल्ट सॉकेट्स दिए गए हैं,
और एक बैकअप बैटरी की व्यवस्था भी की गई है जस्ट इन केस। बाकी LED हेडलाइट्स और ड्राइवर के लिए मल्टीफंक्शन डिस्प्ले और रियर व्यू कैमरा भी दिया गया है जो इसे मैन्यूवर करने में मदद करेंगे। अब बहुत हुई कैबिन की बात, जरा देखें ये 2.5 टन का ट्रक अपनी गो एनीवे एबिलिटी कैसे जस्टिफाई करता है। वैसे तो मैं आपको ड्राइविंग सीट पर मिलता हूँ, बट आज हमारे साथ सर्गी है फ्रॉम यूक्रेन एंड ही इज ड्राइविंग इट बिकॉज इसको चलाना बहुत आसान नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें स्किड स्टीयरिंग मैकेनिज्म है, इसको सीखने में थोड़ी बहुत मेहनत लगती है। अब इस ATV के साइज को देख के आपको लगता होगा कि इसमें इंजन बहुत बड़ा है, बट ऐसा है नहीं। इसमें एक 1.8 लीटर इंजन है जो 3 सिलेंडर यूनिट है और इसके साथ एक 6-स्पीड मैनुअल मिलता है। ये यूनिट हैवी मशीनरी बनाने वाली कोरियन कंपनी डूसान से सोर्स किया गया है। इस इंजन के फिगर्स भी सुनने में काफी कम लगेंगे, 55 हॉर्स पावर और 190 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क। इसकी मैक्सिमम स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। तो इस इंजन के स्पेसिफिकेशन सुनने में भले कम लगें, बट ये इजीली मेंटेन और रिपेयर किया जा सकता है। और जैसा ये विजुअल्स बयां कर रहे हैं, शॉप N1200 के लिए ये मोर देन इनफ है। 35 डिग्री इंक्लाइंस पर चढ़ाई या फिर 3 फीट ऊंचे ऑब्स्टिकल्स को भी आराम से पार कर सकता है। एक और खास बात ये कि इस इंजन को कैबिन के अंदर फ्लोर बोर्ड खोल कर एक्सेस किया जा सकता है। इसका फायदा ये है कि रिपेयर का काम कैबिन की सुरक्षा में किया जा सकता है। और अब फाइनल और मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द शॉप N1200, ये पानी पर भी चल सकता है, तो वाटर वेडिंग कैपेसिटी जैसे फैक्ट्स यहाँ पर कोई मायने ही नहीं रखते। पानी में उतरने से पहले टायर प्रेशर 0.5 psi तक गिरा दिया जाता है फ्रॉम इट्स नॉर्मल फिगर ऑफ 1.5 टू 3 psi, और तब ये फ्लोटेशन डिवाइसेस की तरह एक्ट करते हैं। रास्ते में कोई रिवर, पॉन्ड, लेक या फिर आइस बेड जहां पानी का खतरा हो, ये सब शॉप के साथ बॉदर करने से रहा। शॉप N1200 एक यूनिक पर्पस बिल्ट UTV है। ये रोड लीगल नहीं है क्योंकि इसका नेचुरल हैबिटेट नॉर्मल कंडीशन से बहुत बहुत दूर फॉरेस्ट, स्वॉम्प्स या फिर नॉर्थ पोल जैसे लोकेशंस में है, जहां किसी एक्सट्रीमली केपेबल SUV का पहुंचना भी बेहद मुश्किल है। इसी वजह से ये ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स या रेस्क्यू ऑपरेशंस में बहुत कारगर साबित हुआ है, और कंपनी इंडिया में भी आर्म्ड फोर्सेस, डिजास्टर रिलीफ फोर्सेस, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनीज को ये प्रोडक्ट पिच कर रही है। प्राइवेट बायर्स भी चाहें तो इसे खरीद सकते हैं। इसका इंडिया प्राइस अब तक तय नहीं हुआ है, पर यह भारत में डायरेक्टली इम्पोर्ट किया जाएगा और टैक्सेस के साथ इसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ के आसपास हो सकती है। इसकी कीमत काफ़ी है, पर यह बहुत ज़रूरी कामों में कारगर साबित हो सकता है, जिनसे ये कॉस्ट जस्टिफाई करना आसान हो जाता है। आपको कैसा लगा ये, इंटरेस्टिंग या नहीं, कमेंट्स में बताइए हमें। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।